क्रिसमस ईसाई धर्म के लोगों का सबसे प्रमुख त्योहार है, जिसे हर साल 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। इसी को लेकर साहिबगंज जिले समेत पूरे देश भर में एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर से ही क्रिसमस की तैयारी धूमधाम से शुरू हो जाती है। ईसाई धर्म के लोग इस दिन को यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। साहिबगंज जिले में भी ईसाई धर्म के साथ अन्य सभी धर्म के लोग क्रिसमस का त्योहार धूमधाम के साथ मनाते दिखे। सभी लोग अपने नजदीकी चर्च में जाकर प्रभु यीशु मसीह को याद करते हुए सुख समृद्धि की कामना करते दिखे। बता दें कि साहिबगंज जिले समेत पूरे देश भर में 24 दिसंबर की आधी रात को लोग चर्च जाते हैं और यहां विशेष तौर पर पूजा यानी प्रार्थना की जाती है। ईसाई धर्म के लोग अपने प्रभु ईसा मसीह को याद करते हैं। इसी क्रम में साहिबगंज के प्रमुख मेरी कैथोलिक चर्च में सैकड़ों की संख्या में ईसाई धर्म से जुड़े महिला पुरुष के साथ बच्चे प्रार्थना करने पहुंचे, फिर एक दूसरे को गले लगाकर क्रिसमस की बधाई देते हैं। वहीं चर्च के फादर मथियास और फादर सप्पन कुजूर के द्वारा क्रिसमस के इतिहास और प्रभु यीशु मसीह के जीवनी के महत्व के बारे में बताते दिखे। खैन खान शर्मा ते कुरका चलाविन खान भेटे गुपी कुकु बोन चला आ आर नुआ हो वहीं सभी लोग यीशु मसीह के बाल्यावस्था स्वरूप उनकी मूरत को लाड़ प्यार देकर उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते दिखे। मौके पर चर्च के फादर मथियास ने बताया कि प्रभु यीशु का जन्म का एक मकसद है कि पूरे विश्व में हम सभी मिलकर आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण वातावरण में अपने जीवन का आनंद लें और हर लोगों के दुख सुख में उनका एक साथी बनकर उनके साथ खड़े रहे। इसी संदेश के साथ हम सभी चर्च में एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर क्रिसमस की बधाई देते हैं। आज यहाँ दया की माता साहिबगंज पल्ली के सभी विश्वासी गण जो मसीह में विश्वास करते हैं, वे पवित्र मिसा में भाग लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आज सारे विश्व क्रिस जयंती, जिसको हम क्रिसमस के नाम से जानते हैं, उस उपलक्ष पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया में आए, उसका संदेश है कि लोग भाईचारे के साथ रहें, प्यार से रहें, प्रेम से रहें। थैंक यू।